हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स मींस ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल चैप्टर है, तो जब भी हम ज्योमेट्रिकल चैप्टर करते हैं उससे पहले हमारे पास ज्योमेट्री की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो आता है बेसिक इंफॉर्मेशन, लाइन। व्हाट इज अ लाइन? तो पॉइंट फर्स्ट, व्हाट इज अ लाइन? लाइन लाइन क्या होती है? आप लोगों ने देखा भी होगा, लाइन इस तरीके से होती है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स फिगर वी कैन डिफाइन अ लाइन। Then what the definition? So we can say that collection of infinites, collection of infinite points. क्या है लाइन? Collection of infinite points in the form of स्ट्रेट वे और पाथ। मतलब जब हम बहुत सारे पॉइंटों का कलेक्शन करते हैं स्ट्रेट फॉर्म में, दैट इज दैट मेक्स अ लाइन। यू कैन सी दैट दिस 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 लाइक दिस। जब हमने इन सब पॉइंटों का कलेक्शन किया इस तरीके से, किस फॉर्म में? स्ट्रेट फॉर्म में, तब जाकर के हमारी जो है लाइन बनके तैयार होती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन के पास जो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। कहने का मतलब, सपोज दिस इज अ लाइन, हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट? सपोज दिस इज ए बी, तो लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एरो लाइन लाइक दिस। लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ओके। इसके बाद आता है लाइन का सेकंड पार्ट, रे। व्हाट इज अ रे? रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे जो होता है वो एक लाइन की पार्ट है। बस लाइन में और रे में क्या डिफरेंस होता है? ए रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट्स। रे के पास केवल एक एंड पॉइंट्स होता है, दूसरा एंड पॉइंट्स नहीं होता। यू कैन सी दिस इज रे, ए बी। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं इसके पास केवल स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, सिंगल एरो। नाउ कम टू अ थर्ड पॉइंट, लाइन सेगमेंट। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट भी लाइन की तरह होती है। वी कैन से दैट लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ a line, but it has two endpoints. Line क्या होती है? Line segment, sorry, ये एक line का part होती है। Line के पास endpoints नहीं होते हैं, लेकिन line segment के पास endpoints होते हैं। It is represented like this, A and B. रिप्रेजेंट लाइक ए सिंगल लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू अ फोर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो इसमें देखिए, इफ थ्री
और मोर पॉइंट्स लाइक इन ए सेम लाइन देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स जो हमारी किसी एक लाइन में लाई करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर लाइक दिस। सपोज दिस इज अ लाइन 1, 2, 3, 4 ए बी सी डी। इफ फोर पॉइंट्स लाई इन ए लाइन, एक ही लाइन में लाई करते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट नॉन कॉलिनियर। तो इसके लिए हम कहेंगे इफ थ्री पॉइंट्स डज नॉट, इफ थ्री पॉइंट do not lie in a same line, then points are non-collinear। तो points कैसे होंगे हमारे, non-collinear होंगे अगर वो same line में lie नहीं करते हैं। तो ये जो सारी की सारी जानकारी, ये जो knowledge है, ये हमारी किसके बारे में है, line के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारी लाइन की बेसिक इन्फॉर्मेशन खत्म होती है। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एंगल्स की। एंगल्स क्या है, ये किसकी थी, लाइन्स की। अब बात करते हैं एंगल्स की। तो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास एंगल। व्हाट इज द एंगल, एंगल क्या होता है, वी कैन से दैट एन एंगल इज फॉर्म्ड An angle is formed when two rays originate from the same end points। आगे देखिए, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एंगल एंड द एंड पॉइंट and the end point is called the vertex of the angle। तो हमने एंगल की क्या डेफिनेशन बताई, एंगल की डेफिनेशन यहां खत्म हो जाती है। An angle is formed when two rays originate from the same end point। जब एंगल कब बनता है, जब दो रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, सेम एंड पॉइंट से, तो हमारा जो है एंगल बनके तैयार होता है। देखिए किस तरीके से, सपोज ओरिजिनेट मतलब एक ही पॉइंट से टू रेज
स्टार्ट हो रहे हैं लाइक दिस. दिस इज पॉइंट ओ. यू कैन से ए एंड बी. ओ ए एंड ए बी आर टू रेज ओरिजिन एट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट्स. ओ पॉइंट से स्टार्ट होती है. तो जब कहने का मतलब ये तो रे के बारे में था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जब दो रेज या दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल बनके तैयार होता है. इस तरीके से भी बन सकता है. यहाँ पर तो बन ही रहा है, दिस इज एंगल. यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल. इस तरीके से कई सारे बन सकते हैं. कहने का मतलब जब दो लाइनें दो रेज या दो लाइन सेगमेंट देन इंटरसेक्ट ईच अदर द एंगल आर फॉर्म. ओके आगे देखिए द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल. जो रेज एंगल को बनाकर तैयार करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं. मीन्स ए ओ ए एंड ओ बी आर इट्स आर्म्स. तो जो हमने नीचे के दो पॉइंट लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, ओ ए एंड ओ बी आर इट्स टू आर्म्स. ये इसकी दो भुजाएं होंगी. ओके एंड ओ इज वर्टेक्स. नेक्स्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल. जो हमारा एंड पॉइंट होता है इन रेज का, दिस इज द एंड पॉइंट. इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं. दिस इज वर्टेक्स. दीज टू आर्म्स इन्हें हम क्या कहेंगे, आर्म्स कहेंगे एंगल की. और नाउ बात करते हैं ये एक एंगल बनके तैयार होता है. आपको पता होना चाहिए एक एंगल को जो हम तीन तरीके से नाम दे सकते हैं. फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इट्स वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स के अकॉर्डिंग दे सकते हैं. दूसरा पॉइंट अकॉर्डिंग टू इट्स आर्म्स दे सकते हैं. या तो पहली आर्म के अकॉर्डिंग दीजिए या फिर दूसरी आर्म के अकॉर्डिंग दीजिए. तो इस एंगल को, ये जो एंगल बनके तैयार हो रहा है इसको हम कैसे नाम दे सकते हैं, इसे हम एंगल ओ बी कह सकते हैं. अगर एक ही एंगल है मतलब दो साइडों से मिलकर ही बन रहा है तो हम केवल इसे एंगल ओ ही कहेंगे. अगर एक एंगल से ज्यादा बनके तैयार हो रहा है तो हम इसे इसकी आर्म्स के अकॉर्डिंग नेम देंगे. तो हम इसे क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम क्या दिया जा सकता है, एंगल ए ओ बी. और तीसरे नाम हम कैसे कह सकते हैं, बी ओ ए. मतलब जो वर्टेक्स पॉइंट है उसे हमेशा बीच में रखना है. अगर हम बीच में रख रहे हैं तो ही हमारी जो है एंगल को शो करने की बात सही बैठेगी, वरना वो गलत बैठ जाएगी. अगर अकेला एंगल दे रखा है लाइक दिस, यू कैन से दिस इज ओ. बट सपोज यू हैव लाइक दिस, यहां पर देखिए ये लाइन, एक एंगल ये बन के तैयार हो रहा है, एक एंगल ये बन के तैयार होता है, ओ ए बी. अब ओ सॉरी दिस इज सी. तो इस केस में तो हम नहीं कह सकते कि ये ओ एंगल है तो ओ, लेकिन एक्यूरेट नहीं बैठेगा. तो इस केस में हमें इसकी आर्म्स के अकॉर्डिंग नेम देने पड़ेंगे. दिस इज एंगल वन एंड दिस इज टू. अगर आप एंगल वन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो इन दैट केस आपको एंगल ए ओ बी कहना पड़ेगा. अगर आप एंगल टू को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको एंगल ए ओ सी लेना पड़ेगा. मतलब जब एक से ज्यादा एंगल होगा तो हम उसकी आर्म्स के अकॉर्डिंग नेम लेंगे, और जब एक ही एंगल होगा तो हम उसको केवल सेंटर पॉइंट या फिर वर्टेक्स पॉइंट से अकॉर्डिंग, तो इसे हम सेंटर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. ओके तो ये थी हमारी एंगल की डेफिनेशन. नाउ कम टू अ पॉइंट, अब हम जो बात कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स. एंगल्स के टाइप, एंगल कितने तरीके के होते हैं.
तो सबसे पहला पॉइंट है, एंगल कई तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्यूट एंगल। व्हाट इज एन एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल इज अ एंगल हूज मेजरमेंट इज लाई बिटवीन 0 to 90। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से लेकर 19 डिग्री के बीच में है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, एन एंगल हूज मेजरमेंट एंगल हूज मेजर An angle which is measured greater than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ऑब्ट्यूज एंगल। के बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हूज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब एक्यूट एंगल के अंदर जो मेजरमेंट होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, बट ऑब्ट्यूज में जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री से 180 के बीच में होता है। अगर आप इनकी फिगर बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगी देखिए, या फिर थर्ड पॉइंट भी देख लीजिए, राइट एंगल। राइट एंगल एन एंगल हूज मेजर्ड इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ऐसा एंगल जिसका माप 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम सबसे पहले फिगर एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल की फिगर इस तरीके से होती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। मतलब कहने का मतलब ए ओ बी, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज एन एक्यूट एंगल। क्या है ये? एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो देख लिया, हाँ जी ये 0 से लेकर 90 के बीच में होता है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो एक्यूट एंगल्स की आर्म्स है, जो इसकी भुजाएं हैं, वो एक दूसरे की तरफ झुकी हुई होती हैं। अगर किसी एंगल में एक दूसरे की तरफ झुकी हुई है लाइनें, तो इट मींस दैट इज एन एक्यूट एंगल। एंड सेकंड पॉइंट ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या सा होता है, जो आर्म्स होती हैं एंगल्स की, वो एक दूसरे की तरफ झुकी हुई ना होकर के एक दूसरे से दूर की तरफ भाग रही होती हैं। जैसे आप यहां देख रहे हो, यहां पर ये एक इसकी तरफ झुक नहीं रही है, जैसे एक्यूट एंगल में इस तरीके से झुक रही थी, ये झुक नहीं रही है, ये क्या कर रही है, इस लाइन से दूर की तरफ भाग रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पी ओ क्यू, या फिर आप इस तरीके से भी इस फिगर को देख सकते हो, ये पी ओ क्यू, we can draw like this also. So we can say that POQ is an obtuse angle.
पीओक्यू क्या बन रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन के तैयार हो रहा है। एंड द थर्ड पॉइंट इज राइट एंगल। राइट एंगल की सीधी बात होती है वेंट टू स्ट्रेट लाइन, जब दो सीधी लाइनें एकदम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब दिस लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, या फिर वी कैन से दैट जब दो लाइनें एक दूसरे पर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली लाई करती हैं, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, दिस इज राइट एंगल, यू कैन से एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज अ राइट एंगल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जरूरी नहीं है कि जो हम नाम दे रहे हैं वही नाम देने हैं, आप एंगल को अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं जो मर्जी। फर्स्ट अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन वाले ने नहीं दे रखे हैं तो हम अपनी आप भी नाम दे सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये था फर्स्ट सेकेंड थर्ड मीन्स टाइप्स ऑफ एंगल्स एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ओके इसके बाद देखिए आगे, फोर्थ पॉइंट, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल से पहले हम आपको बताना चाहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल हूज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। जब किसी एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है तो हम उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसकी फिगर किस तरीके से बनती है? हमने एक्यूट एंगल के लिए ये फिगर बना के तैयार की थी, दिस वाज एक्यूट ए ओ बी। हमने एंगल ए ओ बी जो था हमारा रिफ्लेक्स एंगल था, सॉरी एंगल ए ओ बी एक एक्यूट एंगल था हमारा, बट यहां पर जो रिफ्लेक्स है दिस इज बिटवीन 0 to 90। बट वॉट इज द रिफ्लेक्स? तो रिफ्लेक्स इज दिस पोर्शन, यानी कि जब कोई एंगल बन के तैयार होता है उसका जो पीछे का पोर्शन कह सकते हैं या फिर जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इसको भी हम एओबी ही पढ़ेंगे, बट इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? रिफ्लेक्स, इसके लिए स्पेशल नाम दिया जाएगा ये रिफ्लेक्स एंगल एओबी, क्योंकि जब हमने नाम दिया था एओबी दैट मीन्स दिस पॉइंट, एओबी मीन्स दिस पॉइंट, ओके, बट रिफ्लेक्स मीन्स दिस पॉइंट। दिस लाई बिटवीन 180 टू 360, 180 से लेकर के 360 के बीच में लाई करता है। ओके तो ये तो था रिफ्लेक्स। इसके बाद देखिए फिफ्थ, स्ट्रेट एंगल। नाम से पता चल रहा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल व्हेन एन एंगल लाइज ऑन ए लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जब कोई एंगल किसी लाइन पे लाई करता है तो उसे हम कैसे कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। एंड इट्स मेजर इज, इट्स मेजर
इज 180 डिग्री, इसका जो माप होता है वो 180 डिग्री होता है। देखिए किस तरीके से बनके तैयार होता है, लाइक दिस, दिस इज पॉइंट ए एंड द स्ट्रेट सीधी लाइन पे ओ बी, तो वी कैन से ए ओ बी इज अ स्ट्रेट एंगल। और लाइन पे सपोज एक सीधी लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं इस तरीके से, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट एंगल दिस सम ऑफ दिस टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री। वो बात दूसरी है कि हम इनको दूसरे नामों से जानते हैं, लेकिन हम अभी केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। सो स्ट्रेट एंगल इज अ एंगल दैट लाई ऑन ए लाइन, क्लियर। इसके बाद देखिए ये क्या था हमारा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट पॉइंट इज लीनियर एंगल्स, लीनियर एंगल्स व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री एंड लाई ऑन ए सेम लाइन, एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर पेयर, व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री एंड लाई ऑन अ सेम लाइन एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। यानी कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है और वो एक सेम लाइन पर लाई करते हैं, जैसा कि हमने यहां पे आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लाइक दिस, तो यहां पर भी इस तरीके से दो एंगल सेम लाइन पे ए ओ बी एंड ए ओ सी, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड, एंड इफ द सम ऑफ 1 + 2 इज 180 डिग्री वी कैन से दैट दीज आर लीनियर पेयर। तो कहने का मतलब लीनियर पेयर जो होते हैं वो हमारी स्ट्रेट लाइन पे बन के तैयार होते हैं और इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके लीनियर पेयर के बाद बात आती है सेवन पॉइंट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मीन्स व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर जब दो लाइन एक दूसरे को बनती हैं, एंगल्स आर फॉर्म, दीज एंगल्स आर कॉल्ड, एंगल्स आर फॉर्म, angles are formed opposite to each other are called vertically opposite angle। क्या vertically opposite angle means when two lines intersect each other, जब दो लाइनों ने एक दूसरे को intersect किया इस तरीके से। angles are formed, angle कौन कौन बन के तैयार हुआ, 1, 2, 3, 4 OP, ML, ये दो लाइनें थी हमारे पास,
इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एंगल्स आर फॉर्म अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल बन के तैयार हुए उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अपोजिट मतलब एक दूसरे के आमने सामने की डायरेक्शन। तो कहने का मतलब एंगल वन इज अपोजिट टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इज अपोजिट टू एंगल फोर। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल्स होते हैं, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स का मतलब वेन टू एंगल्स हैव ए कॉमन रे। Have a common ray, common vertex and their non-common arms are on different sides of the common arm. तो adjacent angle कब कहेंगे? का मतलब when two angles have a common ray, जब दो angles के पास common ray होती है। इस तरीके से व्याख्या ध्यान से, suppose this is an angle, ये तो केवल एक है, हमने एक और बना के तैयार कर दिया this। अब देखिए यहाँ पर इनके पास एक कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म कौन सी है? ओ ए। ए ओ ए बी सी। तो एडजेसेंट एंगल में जब कॉमन आर्म कौन सी है? दिस इज कॉमन, ये कॉमन आर्म है हमारी। ओ ए इज कॉमन एंड वर्टेक्स ओ इज ऑल्सो कॉमन, और ये हमारी बाकी की दो साइड हो गई जो इस वाली साइड से अपोजिट है एक दूसरे के। तो जब इस तरीके का केस होता है तो हम उन एंगल्स को क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ओके, और हम यहाँ पर आपको सिंपल बात सिंपल वे में बता दें कि एडजेसेंट एंगल्स कहते किसे हैं। वास्तव में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जब एक सिंपल पॉइंट पर दो एंगल लाई करें, यानी कि कॉमन वर्टेक्स पर जब दो पॉइंट लाई करेंगे, सॉरी जब एक कॉमन पॉइंट पर दो एंगल लाई करेंगे, क्या लाई करेंगे? एंगल्स लाई करेंगे, दे ऑलवेज विल बी एडजेसेंट। ओके, इसके बाद आते हैं हम नाइन्थ पॉइंट पर। नाइन्थ पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन सम ऑफ टू एंगल व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अगर दो एंगल का सम कम है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? When sum of two angle is 180 degree. अगर दो एंगल का सम 180 degree होगा तो उसे सप्लीमेंट्री कहेंगे, अगर 90 degree होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। यू कैन सी लाइक फिगर, इसकी फिगर किस तरीके से बन सकती है? इस तरीके से, क्योंकि 90 degree की बात हो रही है तो 90 degree की शेप में दो एंगल का सम आएगा लाइक दिस। ओ
ए बी सी, एंगल ए ओ बी एल ए ओ सी क्या होगा 90 डिग्री होगा इस तरीके से। दूसरा पॉइंट एंगल, तो ये तो किसके लिए था, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मेक ऑन अ स्ट्रेट वे पी क्यू आर एस, तो वी कैन से एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल एस क्यू आर इज 180 डिग्री, दीज आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी जो है बेसिक जानकारी फिनिश होती है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्लास में हम अपने जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम अपनी अपनी एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।